आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 610 मिल गया होगा। इसकी मदद से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आप नौकरी करते हैं और आपको वजह से आप प्रोफेशन से किसी तरह की इनकम नहीं होती है तो आपको ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 2 में से एक का चुनाव करना होगा। ITR फाइल करने के लिए सही फॉर्म का चुनाव करना बेहद जरूरी है। गलत फॉर्म के जरिए रिटर्न फाइल करने से आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप फॉर्म 2 की जगह फॉर्म 1 का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बारे में पूरी जानकारी शेयर नहीं कर पाएंगे। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। ITR फॉर्म 1 को सहज भी किया जा सकता है क्योंकि इसे भरना बहुत आसान होता है। सैलरीड टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स जिनकी इनकम के दूसरे स्रोत नहीं हैं इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्म में टैक्सपेयर की कई जानकारियां पहले से भरी होती हैं। इनकम टैक्स की डिटेल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डाटा भरे होते हैं जिससे रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है। अगर आप फॉर्म 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पहले से भरे गए डेटा का फॉर्म 16 और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से मिला लेना ठीक रहेगा। अच्छा होगा कि आप फॉर्म 16AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन के डेटा को भी मैच करा लें। इसके बाद आप ऑनलाइन ITR फाइलिंग प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि नौकरी करने वाला हर व्यक्ति फॉर्म 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे रेजिडेंट कर सकते हैं जिनकी इनकम एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। इसमें सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम शामिल है। इसके अलावा इसमें सेविंग्स या फिक्स्ड डिपॉजिट डिविडेंड्स की इनकम भी शामिल होती है। रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर रजिस्टर करना होगा। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आपको अपने पैन का इस्तेमाल यूजर आईडी के रूप में करना होगा, फिर पासवर्ड डालना होगा। पोर्टल के मुख्य मेन्यू में आपको गो टू आई फाइल दिखेगा। ई फाइल के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न नजर आएगा। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर 2024 से 2025 सेलेक्ट करना होगा, फिर अपने स्टेटस को सेलेक्ट करना होगा, फिर ITR 1 सेलेक्ट करना होगा, फिर कुछ सवालों के जवाब देने होंगे जिसके बाद आपको टैक्स बकाया होने पर उसे चुकाना होगा, फिर रिटर्न को सबमिट करना होगा। सहज में प्री फिल्ड 5 सेक्शंस हैं, आपको इन्हें वेरीफाई करना होगा। इनमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन क्लेम्ड, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी शामिल होंगे। आप फॉर्म 16 की मदद से इस सेक्शन के सभी डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। ये याद रखें कि रिटर्न सबमिट करने के बाद आपको इसे ई वेरीफाई भी करना होगा। आप आधार, OTP या नेट बैंकिंग के जरिए इसे कर सकते हैं।